आज हमसे एक स्टूडेंट कहता है, सर अगर मैं पढ़ूं अगर जॉब नहीं मिला तो क्या, बताइए। अगर माँ सोच ले अगर मेरे संतान हम संतान पैदा करें, मेरा संतान चोर हो जाए तो क्या वो संतान पैदा करेंगे? कभियो कभियो नहीं वो संतान पैदा कर सकते हैं, कभियो नहीं। मध्य वर्ग लेवल कला लेवल क्लास के स्टूडेंट सोचते हैं, अगर मैं पढ़ूं अगर हमें जॉब नहीं मिला तो कोई भी कोई आपसे हम पूछते हैं, अगर कोई बोलिए अगर स्टूडेंट मेहनत करे किसी के पीछे, अगर जब वो मेहनत करे तो क्या वो काम वो हासिल नहीं कर सकता है? वो काम हासिल कर सकता है लेकिन वो मन से करे तो। लेकिन ये नहीं होता है कि वो काम को मन से नहीं करे तो वो कभी नहीं मन से नहीं करे तो वो कभी नहीं हासिल कर सकता है। जब तक आप कोई काम मन से नहीं कीजिएगा तब तक वो काम आप कभी नहीं हासिल कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लोग तो पैसा खर्चे दे पाते हैं लेकिन उनके यानी मिडिल क्लास के लोग जो पैसा स्टूडेंट को पढ़ाते तो है बट लेकिन वो पैसा खर्चे दे पाते हैं बट लेकिन वो संघत से ही कुछ कुछ स्टूडेंट पढ़ पाते हैं। संघत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, संघत से गुण आते हैं, संघत से गुण आता है, कहते हैं कि संघत से गुण आता है और संघत से गुण जाता है। उसी तरह अगर जब आपको अच्छी संगत लग गई ना आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। अगर जब आपकी संगत बिगड़ गई तो आप कभी नहीं, जब आपकी संगत एक बार बिगड़ गई तो आप कभी नहीं लग, और आप पढ़ाई कीजिए मन में ये ठान लीजिए, जब पढ़ाई करते हैं तो मन में ये ठान लीजिए हमको कुछ करना है, और जब तक वो चीज़ हासिल नहीं कीजिए तब तक वो चीज़ आप किसी को बताइए। आप उन बातों को ब्रेन में सेट करके रखिए, मुझको ये हासिल करना है तो हासिल करना है तो करना है। लेवल क्लास के स्टूडेंट सोचते हैं अगर मैं पढ़ूं अगर मैं जॉब नहीं मिला तो, यही सोच के लेवल क्लास के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते। सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ ट्वेल्थ बहुत से बहुत सेवन्थ एट्थ नाइन्थ ट्वेल्थ उसके बाद पंजाब या हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली चले जाते हैं, और उनसे कुछ कर भी क्या सकते हैं वो अलेवेंथ ट्वेल्थ करके कुछ कर भी क्या सकते हैं बोलिए? पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और नहीं तो गांव में रहा तो कृषि विभाग से वो जुड़ जाते हैं। और मिडिल क्लास के जो होते हैं वो पढ़ाते तो हैं लेकिन अगर आप जब अच्छे से पढ़िएगा ना, आप में अगर जब क्वालिटी जब पेरेंट्स देते हैं ना, जब तक उन पेरेंट्स के दिल जब तक उनमें सांस चलेगी ना तब तक वो आपके पीछे पैसा खर्चा कर सकता है। बट ये नहीं, आप को देखेगा जब प्रोग्रेस आप नहीं कर रहे तो वो कभी नहीं आपके पीछे पैसा खर्चा करेगा, कभी नहीं। माँ बाप सोचते हैं, कोई माँ बाप गलत राह पे नहीं देना चाहते, कोई भी अगर माँ बाप हो तो अपने बाल बच्चा को गलत राह पे नहीं देना चाहते। वो ये सोचते हैं मन में कि मेरे बाल बच्चा अच्छे से अच्छे स्टूडेंट या अच्छे से अच्छे व्यक्ति बने जो अपने पैरों पे चलकर दो पैसा कमा सके, अपने बाल बच्चा को सुरक्षित रख सके। अगर प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं अगर वो सोच ले मैं हार जाऊँ तो करोड़ों रुपया खर्चा करते हूँ, बोलिए अगर वो सोच ले मैं हार जाऊँ तो क्या वो लड़ेंगे चुनाव? कभी नहीं चुनाव लड़ सकते, कभी नहीं चुनाव लड़ेंगे। अगर सोचिए आप एक मिनट के लिए कि अगर कोई माँ चाहते हैं ना जो हमें बच्चे हों, अगर वो सोच ले मेरी बच्चे चोर हो जाए, मेरी बच्चे चोर हो जाएगा हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बोलिए बच्चे पैदा होगा कभी हो? वो ये सोच के बच्चे पैदा करते हैं मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे संस्कार वाले बच्चे होंगे, ऐसे नहीं कि वो सोचते मेरे बच्चे चोर है तो वो कभी नहीं बच्चे पैदा कर सकते।
कभी और नहीं, वो कल्पना भी नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं आप जब पढ़ाई कीजिए तो मन से लगनशील से पढ़ाई कीजिए, वरना आप जिंदगी में पछताइएगा, वरना आप जिंदगी में पछताइएगा। हमको आप ये कहते हैं कि लाइफ में अगर कुछ कीजिए ना, जो भी काम कीजिए लाइफ में वो मन से कीजिए, वरना नहीं कीजिए, वरना कीजिए जो भी काम कीजिए ना वो मन से वो काम को हासिल कर लीजिए, तो ही आपको मजा आएगा। जब वो काम आप हासिल कर लेंगे ना तो आपकी दिल में सकून मिलेगा, नहीं तो वरना आप बहुत पछताइएगा।